दोस्तों आज मैं आपके लिए पावर भी आईगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ गया हूं बहुत जनों का ये क्वेश्चन था सर हम मेनी टू मेनी रिलेशनशिप लगाते हैं बट हमारे पास रिजल्ट सही नहीं आता तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है तो आज मैं आप लोगों के लिए वही लेके आया हूं तो आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं यहां पर देखिए मेरे पास एच का वीक वन का डेटा है एच का वीक टू का डेटा है एच का वीक थ्री का डेटा है अब मैंने क्या किया मैंने ना इनमें मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप लगाया मैं रिलेशनशिप में चलता हूं और ये देखिए इन सब में मेरा मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप इन बिल्ट है मेरा शीट वन शीट टू शीट थ्री मेरा मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप इन बिल्ट है अब अगर मैं मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप लगाता हूं और अगर मैं अपनी वैल्यूज चेक करता हूं क्या ये मेरी वैल्यू सही दे रहे हैं आप ये दोनों आईडी देखिए दोनों आईडी डिफरेंट है बट इनकी वैल्यू यहां पे देखिए बिल्कुल सेम है और यहां पे देखिए बिल्कुल सेम है विच इज इन करेक्ट ऐसी आप और भी आइडिया देख सकते हैं जैसे ये देखिए ये वैल्यूज यहां पे देखिए ये तीनों आईडी अलग है यहां है, है क्या ये रियली पॉसिबल really है बिल्कुल नहीं क्योंकि मेनी टू मेनी आपका वर्क नहीं करता मेनी टू मेनी का ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन होता है तो इसका सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना है आपको ट्रांसफॉर्म क्वेरी में जाना है सबसे पहले अब देखिए ये आपके तीन डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स हैं जिसमें थोड़ा सा डेटा अवेलेबल है फर्स्ट वीक सेकेंड वीक और थर्ड वीक का हम रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे इंप्लॉय आईडी के बेसिस में क्योंकि यहां पे अगर आप देख सकते हैं मैं इंप्लॉय आईडी के बेसिस में डेटा लेके आया हूं अब मैं रिलेशनशिप बिल्ड करने जा रहा हूं ओके तो अब हम एक काम करते हैं इंप्लॉय आईडी के बेसिस में मैं पहले इन तीनों का एक कंसॉलिडेट डेटा बना लेता हूं तो मैं क्या करता हूं मैं होम में आता हूं अप एंड क्वेरी अपेंड क्वेरी एज ए न्यू यहां पे हम थ्री और मोर टेबल्स को सिलेक्ट करते हैं थर्ड टेबल ऑलरेडी सिलेक्टेड है हमने फर्स्ट को एड करना है और सेकेंड को एड करना है मैंने तीनों टेबल को एड कर दिया और मैं ओके okay करता हूं ये मेरी अपेंडेड वन होगी जिसको मैं लिख देता हूं कंसोलिडेटेड ओके okay, अब इसको हम अप्लाई कर देते हैं जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपकी एक कंसोलिडेटेड एडिशनल फाइल बन जाएगी अब हम चलते हैं अपने रिलेशनशिप व्यू में मैं आगे अपने रिलेशनशिप व्यू में अब यहां पे देखिए ये रही मेरी कंसोलिडेटेड मैं इस कंसोलिडेटेड में ना जो कॉलम मुझे सिर्फ अवेलेबल रखना है जिनसे मुझे रिलेशन है मैं सिर्फ वही कॉलम रखूंगा बाकी सारे कॉलम्स को रिमूव कर दूंगा मैं वापस अपने क्वेरी व्यू में चलता हूं तो मुझे सिर्फ इंप्लॉय आईडी के बेसिस में देना है तो मैं एक काम करता हूं ये बाकी के सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करके रिमूव कर देता हूं इस कॉलम को मैं राइट right क्लिक करके इसमें जितने भी डुप्लीकेट्स हैं

मैं राइट right क्लिक करता हूं रिलेशनशिप के ऊपर और ये मैंने रिमूव कर दिया अब मैं क्या करूंगा मैं जो 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 भी हमारी हमारी तीन फाइल फाइल है उनसे का जो हमने एक न्यू क्रिएट उसका रिलेशन बिल्ड कर दूंगा जैसे एम्प्लॉय आईडी का एम्प्लॉय आई से दे दिया यहां पे भी एम्प्लॉय आईडी अब आप ध्यान से देखिए मेरा वन टू मेनी का रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है और यहां पे भी मैंने एम्प्लॉय आईडी से रिलेशनशिप दे दिया अब मैं वापस अपने रिपोर्ट व्यू में चलता हूं अभी के लिए देखिए ये नहीं चलेगा क्यों क्योंकि हमने कंसोलिडेटेड से एम्प्लॉय आईडी पिक नहीं करी तो मैं क्या करता हूं मैं एम्प्लॉय आईडी यहां से रिमूव करता हूं मैं सिंपल कंसोलिडेटेड का एम्प्लॉय आईडी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं मैं सबसे नीचे गया मैं सबसे ऊपर और अब आप देख सकते हैं मेरी रिलेशनशिप बिल्कुल बिल्ड हो चुका है और मुझे एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहा है जैसे सेकेंड वाला अगर आप देखेंगे इसमें शायद कोई डेटा या कोई एम्प्लॉय आईडी इस वाले टेबल में अवेलेबल ही नहीं है जी हाँ कुछ कुछ अवेलेबल है उनकी इंफॉर्मेशन भी आपके हैंड ऑन हैंड आ गई है तो इस तरीके से गाइस हम लोग मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का एक यूनिक एक प्राइमरी की बना के उसका एक रिलेशनशिप बिल्ड करके अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये क्विक पावर बी का ट्यूटोरियल आपको पसंद आ गया होगा पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना और हाँ आपके कमेंट्स में एक और चीज के लिए चाहता हूं कि अब मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लाने जा रहा हूं तो आप मुझे रेकमेंड करिए वो सीरीज किसकी होनी चाहिए आपको सीक्वल सर्वर सीखना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको एक्सेल सीखना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको पावर बी सीखना है या कोई भी अलग से माइक्रोसॉफ्ट का टूल जो कि आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखना है प्लीज उसका कमेंट करिए जिसके भी मैक्सिमम कमेंट आएंगे मैं उसके ऊपर वीडियो या सीरीज लेके जरूर आऊंगा